क्या कर रहे? ओ चिची। तो गाइस एक और बार वापस आ चुका है डिटेक्टिव अंशु एक और हॉरर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, आज जो मैप हम लोग खेलने वाले हैं वो अभी तक का सबसे कठिन मैप है और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा डरावना भी। और तुम लोगों को तो पता ही है मैं कितना ज्यादा बहादुर बंदा हूं। मजाक कर रहा हूं, बहुत डरपोक हूं मैं। तो यार जिसने भी अभी तक का सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया दबा दो यार, लाल बटन को ग्रे कर दो, आई होप ग्रे ही होता होगा अभी भी। तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को। पॉइजन, अ माइनक्राफ्ट हॉरर मैप बाय पोटैटो मैन। ओके सर। ये क्या है भाई, रीड द ट्यूटोरियल एंड स्टार्ट। यार रीड द ट्यूटोरियल सीरियसली ब्रो, मतलब मैं मतलब डिटेक्टिव अंशु ट्यूटोरियल रीड करेगा? कहां पर है ट्यूटोरियल? पहली बार ही खेल रहे तो हम लोग। यार देखो कायदे से तो वैसे देखो मैं हूँ प्रोफेशनल डिटेक्टिव, तुम लोग जानते हो मेरे को, आई एम वन ऑफ द बेस्ट। बट सिंस चलो ठीक है यार, तुम लोग बोल रहे हो हार्ट पे खेलेंगे, भाई हम लोग डरते हैं किसे? वो देखो चिड़िया, देखो चिड़िया, वो देखो, ओ हो हो चिड़िया आ गई यार। ओहो भाई इन लोगों ने नाम तो क्या खतरनाक चूज करा है ना मैप का। पॉइजन भाई, जहर जहर है क्या प्यार है तेरा मैप? चैप्टर वन द फॉरेस्ट। ओके यार ये हर बारी हमको, यार जब भी देखो कोई फॉरेस्ट से निकालते हैं यार भाई। मैं हेलो, मैं तुम्हें क्या आदिवासी लगता हूँ क्या भाई? ओह ये क्या है भाई? हेलो, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग कंसिडरेबल एक्साइटमेंट टू द स्मॉल विलेजेस। गाइस देखो जिस हिसाब से ये किताब है ना, इसमें तो ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि ये जो विलेज है बहुत सस्पिशियस और बहुत ज़्यादा रिच भी। तो मतलब कि जो हमें यार ये गवर्नमेंट आजकल आधी पेंशन काट के दे रही है तो हम लोगों को काफी पैसा मिल सकता है उस चीज से, तो हम लोगों को वो भी ध्यान देना है। और ये क्या जगह है ब्रो? ओ अरे कोई बच्चा खो गया भाई। ओ गाइस यहाँ पर एक ट्रैप है, देख रहे हो तुम लोग ये? ओ भाई ओ ये बंदा तो पूरा कट गया ब्रो यहाँ पर। भाई एक चक्कू भी गिर गया ऊपर से। ये क्या है ब्रो जगह? भाई इस जगह पे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा गाइस, इस जगह पे हर जगह ट्रैप्स लगे हुए। व्हाट, एमरल्ड के बूट्स? हेलो सीरियसली? ओ भैया, हेलो भैया। भाई मेरे को सीरियसली लगा कि ये उसके पीछे खड़ा हुआ है ना कि उसके अंदर पड़ा हुआ है ब्रो। भाई कंपोस्टर के अंदर ही धसा दिया उसको। तो गाइस इस किताब से मुझे जो चीज अभी पता चली है कि इस विलेज में कोई भी आता तो वो वापस नहीं जा पाता, बट ये विलेज बहुत ज्यादा रिच है चीजों में। वो कौन है? ओ भाई वहां कुछ तो, रुको रुको उससे बात करके आते। भाई भाई कोई तो बंदा है उधर, रुको ये तो नहीं, ये तो डेड एंड है ना। भाई वहां पे कोई तो बंदा था, उससे बात करके आते हैं। रुको रुको रुको, भाई ये कहां आ गया हूं मैं, मेरी बंदूक भी नहीं है मेरे पास यार। ओ वो रहा। भाई ये क्या विलेज है यार, हर जगह पे बंदे कटे फटे पड़े यार। भाई इस कुएं में भी, ओ चची। और ये क्या है? ओ भाई क्या चल रहा है यहां पर? भाई हमें गवर्नमेंट को कॉल करके यहाँ पे बैकअप मंगाना पड़ेगा भाई। आई थिंक हमें यहीं जाना है नीचे से। भाई ये क्या जगह है ब्रो, जहां देखो लाशें ही लाशें सिर्फ। ओ ये वो जगह है राइट, हम लोगों ने देखा था ट्यूटोरियल में, यहां पे चाबी लगती है कोई। ओ भाई क्या मेंशन है, आई थिंक यही वो मेंशन है जिसके बारे में किताब में लिखा हुआ था कि सारे के सारे विलेजर्स इसके अंदर रहते। वो कौन है, कोई है क्या वहां पे? नहीं
ठीक है, तो सारे के सारे विलेजर्स इसके अंदर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन बहुत ज़्यादा सस्पिशियस भी। ओके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओ यस, ये क्या है? फिडियस डे वर्मैर। ओके ओ स्वॉर्ड, चलो ठीक है स्वॉर्ड, ओ ये बुक भी दो, ठीक है स्वॉर्ड रख लेते हैं, वीट भी रख लेते हैं थोड़ा सा, क्या पता आगे जाके और मिल जाए तो हम लोग थोड़ा वो कर लेंगे। देखा मैं बोला था ना वीट मिलेगी, देखो 6 वीट हो गई। यस की मिल गई हमें गाइस, चाबी मिल चुकी है, लेट्स गो। ठीक है बढ़िया, चलो गाइस हम लोग चाबी को लेके चलते हैं और फटाफट से लगाते हैं और उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है ब्रो। देखो मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई भूत वूत होगा, क्योंकि देखो भूत वूत में विश्वास तो हो गया है मेरे को, पर फिर भी गाइस मेरे को लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि ये तो कोई इंसान भी कर सकता है राइट ऐसी चीज़ें। ओ ये कौन है? डोंट मेक एनी नॉइज। ओ भाई हेलो, ओ भाई भाई वो इंसान तो नहीं था भाई, क्या वो कहाँ गया भाई, ये क्या हुआ? अबे ये ट्रैप तो यहाँ था ही नहीं पहले। अरे हमें बंद कर दिया भाई, अरे खोलो भाई, भाई यार मैं क्यों खेलता हूँ यार ऐसे गेम, जब मेरे को डर लगता है तो क्यों खेलता हूँ मैं ऐसे गेम यार। वो डायरी मिली है गाइस, कुछ तो अच्छा बताएंगे ये लोग, रुको जरा रुको। डायरी वन, डियर अननोन रीडर, माय नेम इज विक्टर एंड आई हैव बीन हेल्ड बाय बेबल बेहमथ। तो गाइज अभी मेरे को पता चला है कि यहाँ पर एक विक्टर नाम का बंदा है जिसने यहाँ से भागा था, तो उसने एक किताब छोड़ के भागा था, उसने बोला है बॉयलर रूम से ही निकल सकते सिर्फ, लेकिन हमें पहले 6 वॉल्व घुमाने पड़ेंगे, अगर जिसको पता नहीं ऐसा घुमा के पानी निकालते हैं जिससे ना वो वाले वॉल्व होंगे। टॉर्चर चेंबर वेल्व, ओके ठीक है 6 वेल्व में से एक है टॉर्चर चेंबर वेल्व, फिर एक है लिविंग रूम का वेल्व, और फिर है एक क्या कहते हैं लेबोरेटरी का, फिर एक इंजन रूम का। क्रॉसिंग अ कोलैप्स्ड कॉरिडोर यू विल फाइंड द रूम वेयर यू कैन ऑल्सो ओपन डोर्स टू द अदर सेक्शन। बैकयार्ड वेल्व, इन द कोर्ट यार्ड यू विल फाइंड अ स्टेबल वेयर द वेल्व इज लोकेटेड। ओके स्टेबल के अंदर, हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। केयरफुली नॉट टू वेक अप द पपीज, ओ भाई ओके। एटिक वेल्व, द की टू ओपन द वुडन केज इन इज हिडन इन सम बैरल ऑफ द एटिक। ओके ठीक है, तो हम लोग का एटिक वेल्व भी करना पड़ेगा। एटिक जिसको पता नहीं गाइस, ऊपर जैसे पुराने जमाने के घर होते ना ऐसे वाले, तो उसके ऊपर एक जगह होती है वहाँ पे एटिक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लेट्स डू दिस गाइस, हम लोग को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा पहले तो। ये क्या है? टॉर्चर चेंबर वेल्व ओपन्ड, ओह नाइस, ओह हाँ हम इससे निकल सकते हैं ना बीच से। ओह यहाँ पे कैमरे हैं गाइस, कैमरा से बच के आई गेस। ओ भाई ये सब क्या है? बेहमत बियर, माइनिंग फटीग, नोजिया, रीजनरेशन रेजिस्टेंस। अबे ये क्या बदतमीजी यार, फिर भी रख लेते हैं, क्या पता कुछ तो काम आएगी, देखना है आगे जाके। ओह यहाँ पर एक बंदा है गाइस, यहाँ पर एक बंदा फंसा हुआ है। ओए ब्रो आ जा, खुल जा, खोल दो इसको, खोल दो। अबे ये क्या है भाई? ओए हेलो पागल, बस की आंखें देख रहे हो तुम लोग ब्रो? भाई सबको खोल दो यहां से, भाई सबको आजाद कर दो भाई, इसको नहीं बस, इसको आजाद करेंगे कैसे, यहां तो बटन भी नहीं है इसके लिए कोई। भाई यहां चारों तरफ गाइस कैमरे ही कैमरे लगे हुए, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे। ये है लिविंग रूम, ओके ठीक है। आई थिंक मेरे को याद नहीं है, बट लेट मी चेक अगेन, ठीक है। जो बॉयलर रूम, यस लिविंग रूम में भी एक वेल्व है गाइस, हम लोगों को लिविंग रूम का भी वेल्व सही करना है। लेट्स सी, चुपचाप ठीक है। वो जो भी है भाई, बहमत अहमद जो भी नाम है। ओ यस शील्ड भी मिल गई। ओ भाई इतने सारे एमरल्ड्स, यहाँ पर कहीं पर तो एक वेल्व होना चाहिए गाइस। ये रहा, यस लिविंग रूम वेल्व ओपन, ओके ठीक है। हम लोग ने, रुक जाओ गाइस हम लोग पहले छुप जाते हैं,
हम लोगों ने दो वेल्व तो यार खोल दिया ऐसी मजाक मजाक में, राइट? हम लोगों ने टॉर्चर रूम का कर दिया है, हम लोगों ने रिव्यू रूम का खोल दिया है, हमें चार और खोलने ऐसी, लेबोरेटरी और इंजन रूम का। चलो वो कौन है? ये वही है क्या? भाई मैं बेवकूफ हूँ भाई, गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही में बहुत बड़ा वाला बेवकूफ हूँ। भाई ये सीरियसली इसके अंदर नहीं आ सकता? चला, ओ नहीं नहीं भाई बेवकूफ बना रहे हो, देखो खड़ा है वहां पे, देख रहे हो वो खड़ा हुआ है वहां पे कि ओड़े। ओके तो दोस्तों हम लोग ने लिविंग रूम और टॉर्चर रूम के खोल दिए वेल्व, ठीक है, और उसके ऊपर से जो मेरे पास थोड़ा बहुत एमरल्ड आए हुए थे, मैंने इन लोगों से एक पैंट भी खरीद लिया, ये हेलमेट हेलमेट अभी भाई सुन नीचे आ गए। ओके ओड़े भाई, चो, 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 चो। भाई वो एकदम से दौड़ के आया ब्रो, ओ भाई उसने मार दिया उसको, भाई जितने लोग मैंने खोले थे उनको सबको मार रहा है वो एक एक करके। ओके मेरे को गाइस कैसे भी नीचे भागना पड़ेगा क्योंकि इससे सारे के सारे नीचे ही हैं। चलो ट्राई करते हैं, वो है नहीं शायद से यहाँ। यस हम लोग उसके लिविंग रूम में आ गए, राइट? भाई मुझे यहां से भागना है यार भाई, अब ये केस नहीं भाई, ये अब मुझे बस भागना है यहां से। बॉयलर रूम, ये क्या है? To be able to switch the boiler room, you must open the six valve. Oh yes, इस boiler room का तो रास्ता वो खुलेगा ना direct. Okay, guys, मेरे को ना पहले कहीं पे छुपना पड़ेगा और वो किताब एक और बार देखनी पड़ेगी। मैंने अगर दो जगह के खोल दिए हैं, ठीक है, अगर मैंने दो जगह के खोल दिए जो कि टॉर्चर रूम और लिविंग रूम, अब हमें जाना है लेबोरेटरी, इंजन रूम, बैकयार्ड और एटिक, ठीक है। एटिक तो देखो ऊपर ही होगा छत पे, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले ढूंढना है लिविंग रूम, के बाद है कोर्टयार्ड। ओह गाइज ये देखो, बॉयलर रूम से ही इंजन रूम का रास्ता निकलता है, हम लोगों को अगला यहां पर खोलना पड़ेगा। अरे यार मेरे को लगा वो जंप हो सकती है ब्रो। ओके भाई यार आई होप मैं किसी बहुत गंदी चीज में ना फंस रहा हूं। व्हाट? यस हम लोगों ने इंजन रूम का वाल्व खोल दिया गाइस, और उसके ऊपर से कोर्टयार्ड डोर, लेबोरेटरी डोर, एटिक डोर, सब खोलो भाई। बस यार वो मेरा इंतजार ना करो भाई, वो बहुत खतरनाक बंदा है भाई, उसकी शक्ल देख के डर लग रहा है, पता तुम लोगों को। ओके कोर्टयार्ड से पहले हम लोग लाइब्रेरी चल लेते हैं क्योंकि लेबोरेटरी यहीं पर है। ओ ये रहा, ओके हम लोगों ने, ओ गाइस गाइस लैब में कुछ तो पड़ा है। ओ व्हाट, एमरल्ड की चेस्ट प्लेट। तो हम लोगों ने देखो कौन कौन से खोल दिया, हम लोगों ने लिविंग रूम का खोल दिया, हम लोगों ने लेबोरेटरी का खोल दिया, हम लोगों ने इंजन रूम का खोल दिया है, अब हमें बैकयार्ड एटिक का खोलना है, टॉर्चर चेंबर का भी हम खोल चुके हैं, तो ये स्टार्टिंग के चार हम खोल चुके हैं, बट अब है कठिन बैकयार्ड और एटिक। एटिक वाले रास्ते में वो खड़ा हुआ है, मैंने देखा था उसको लास्ट टाइम, उसने लास्ट विलेजर वहीं जाके मारा था, और अब हमें जाना है बैकयार्ड क्योंकि वो अगर वहाँ पर है तो हम लोग बैकयार्ड में जल्दी से जाके ये चीज़ कर सकते हैं, बट अब हमें बैकयार्ड का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ था बैकयार्ड का रास्ता, कहीं तो था, ये रहा कोर्टयार्ड, ठीक है, कोर्टयार्ड के बाद ही बैकयार्ड होगा। ओह रुको, यहाँ पर वो मरा हुआ है और ये देख रहे हो ट्रैप है। Oh what? What? भाई वो क्या चीज थी गाइस? भाई ये पपीज थे क्या जो उसने बोले थे कि बैकयार्ड में पपीज को मत उठाना बस? ये कौन से पपीज है भाई, इंसान खा जाए जिंदा। फाइनली ये थोड़ा सा पलटा है। आ!
नहीं नहीं सॉरी 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 पीछा रहे क्या आ रहा है सॉरी भाई यार बहुत मुश्किल से पहुंचा यहाँ तक, मारना मत। एक मिनट, मैं इसको भगा के इस साइड ले आया ना, तो मैं चुपचाप साइड से अंदर भाग सकता हूँ क्या? अब रुको पहले खाना खा लेते, गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास फूड नहीं है और मैं मर गया। ठीक है चलो अभी इस साइड आ गया ना, हम लोग चुपचाप भाग जाते हैं यहाँ से। ओ भाई दोनों यहीं पे संडे जैसे, भाई भागो 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 भाई, इतने बड़े कुत्ते कहाँ देखे हैं भाई, क्या करता है भाई आदमी। ट्राइडेंट, हु लेट द डीमंस आउट, ये क्या है भाई, गाने हैं क्या? यस गाइस, सिर्फ एक वेल्व बचता है, वो है एटिक का, बस एक वेल्व और। भागो, नहीं नहीं दोनों पड़ गए पीछे। ओ भाई ये बहुत गंदा मार रहे हैं। ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है, ज्यादा मजे नहीं लेते, ज्यादा मजे नहीं लेते, चुपचाप निकलते हैं यहाँ से। बुरा लास्ट। ओ भाई ये रे पपीज, और यार भाई हम लोग इसके पास कैसे जाएंगे अगर ये कुत्ते भौंकने लग जाएंगे यार, देखते ही हमें। ओ कीवी चाहिए, ओ गाइस चाबी भी लगेगी। अरे यार वो देख ना रहा हूं मैं यार अभी। ओ ये क्या, ओके चाबी चाबी, भाई चाबी कहीं तो होगी ना, यहीं कहीं तो होगी चाबी, और कहाँ होगी यार? वो आ ना रहा हो यार, भगवान कसम कह रहा हूँ वो बहुत गंदा मारेगा भाई। ओ गोल्डन एप्पल, नाइस। We found the key. ओ भाई क्रॉसबो, ये हमारे पास पहले होता तो हम लोग ध्यान भटकाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं यार। ओके गाइज अब हम लोगों को ये चाबी यहां लगानी है। कुछ तो भाई, छुप जाओ भाई छुप जाओ, मुझे पता है वो पक्का आएगा भाई, छुप जाओ पहले छुप जाओ। बॉयलर रूम वेल्व इज नाउ अवेलेबल, यस भाई बॉयलर रूम के वेल में, और यहां से निकलते हैं भाई, फाइनली हम लोग यहां से भाग सकते हैं दोस्तों। ये रहा, भाई यार ऐसे हर चीज में फटने की जरूरत है क्या तेरे को? ओके भाई यहाँ पर उसने बंद करे हुए लड़के जो, भाई उसने कंकाल बना दिए बिल्कुल। भाई मैं कहीं तो आ गया हूँ गाइस, मेरे को पता नहीं है कहाँ पर। ओ डायरी टू, लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे एक मैप मिल गया जिससे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। यू आर हियर, ओके ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग को आगे जाके राइट लेके सीधे जाना है। तो दोस्तों यार सुयर के मैप में तो मेरे को ऐसे दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर हैं, हमें नीचे जाना है, फिर वहां से बचते बचाते हुए कैसे भी यहाँ पहुंचना है। भाई ये पूरी के पूरी प्रॉपर एक वो है, लाइक मेज जैसी है नीचे, और ये पूरा का पूरा पानी है, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा ये ढंग से। अगर हम लोग गलत सलत चले गए ना गाइज तो हम लोग फंस जाएंगे पानी में हमेशा के लिए, और पानी में फंस गए तो मतलब मर गए। ओके हम लोग यहां से जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कहीं आगे जाके राइट है, राइट ये रहा, यस ये मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है पानी कम है वहां। ओ नो, जल्दी 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 भाई, यार मैंने गलत ले लिया क्या टर्न, मेरे को लग रहा है यार। अरे यार सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। ओ भाई आधी एचपी में बचे हम लोग यहां तक। भाई फटाफट से बीट रूट का सूप पी लेते हैं यार, फाइनली। वेल्व बी ओपन्ड, ओके तो ये वेल्व बी और ए है, अब हमें ए में जाना है। हमें ऐसे चढ़ के, अच्छा ओके ठीक है, ये सोल सैंड है ना इसकी वजह से नहीं चढ़ पा रहा हूँ। ठीक है तो गाइज अब हम लोगों को वेल्व ए भी खोलना है यार, इस बंदे ने पता नहीं क्या बना रखा है नीचे, सच्ची बता रहा हूँ यार, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है यार।
अब हम लोगों को वेल्व ए में जाना है, हम लोग बी में है, अब यहां से पूरा घूम के वापिस जाएंगे और उसके बाद हम लोग ए पे जा पाएंगे। यार फिर से नहीं यार, वो इतना पानी का कहीं और से रास्ता नहीं है क्या? थोड़ा इधर उधर से बता दो यार, मैं वहां से चले जाऊंगा। एक मिनट, इसके नीचे तो कुछ रास्ता नहीं ना? नहीं, ये तो खुलेगा ही नहीं ना, ये है ना? अरे मजाक से हटके ब्रो, ये क्या है सही में? मैं अभी गधों की तरफ पानी से जाने वाला था गाइज, हमें अच्छा हुआ ये मिल गया। ये तो बड़ा अमीर बंदा है, नेदरराइट। ओ भाई ये क्या है ब्रो? इन लोगों ने गारंटीड, में तुम लोगों को बता रहा हूं, ये ना ध्यान भटकाने के लिए है कुछ तो। लेकिन क्यों गाइस, हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी क्या? ओ भाई चलो गाइस फटाफट से जाते हैं और वेल्व ए भी खोलते हैं। ओके, ओ यस गाइस, फाइनली हम लोगों को मिल गया रास्ता यार वेल्व ए का भी। सिस्टम ओपन, लेट्स गो। इसका मतलब पानी ड्रेन होगा क्या प्लीज? अरे यार मैं इस साइड से आया था यार। अरे यार फिर से नहीं यार, प्लीज यार मैं मरना नहीं चाहता यार। अरे यार इतनी मुश्किल से ढूंढा है मैंने ये, रुक जाओ। पहले हम लोग गाइस, पहले हम लोग ना वापस जाएंगे, मेरे को पता है रास्ता कहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है? वो सेंटर पर हम लोग पहले वापस जाएंगे जहाँ पर से हमने स्टार्ट किया, ताकि हम लोग सांस ले सकें। चलो फटाफट से गाइस, फटाफट चल 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 चल, तेज तैर चल 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 ब्रो। अरे यार ये रास्ते में पफर फिश है, हट जा। ओ एक मिनट, मैं यहाँ पे सांस ले सकता था क्या? छी रे क्या गधा हूं मैं। ओके चलो 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 चलो। अरे यार भाई घुस ही जाना, आ जा मेरे साथ ही आ जा बिल्कुल, गंदी पफर फिश। ओके गाइस हम लोगों का एचपी बहुत कम हो गया यार, मैं मरने ही वाला हूँ टू बी ऑनेस्ट। भाई ये देख रहे हो कितने लोग यहाँ मर मर के भी पहुंचे। मेरे ख्याल से वो जो डॉक्टर था ना, जो क्या बोल रहे थे उसका नाम, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। आई हैव ड्रॉन द मैप। अच्छा ये तो हो गया हम लोगों का, ठीक है काम। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। और ओके यहाँ से तो नहीं जा सकते ना भाई, ये बहुत डेंजरस जगह लग रही है। और अगर वो कहीं से आ गया ना एकदम ही, मैं बता रहा हूँ यार, प्लीज जाने दो हमको भाई। ये क्या ही अलग ही अमीर, ओ भाई भाई यार ये क्या था अभी? वो कौन आ रहे थे भाई इतने सारे? उसके सारे कुत्ते, उसके सारे वो वफादार, वो सब। ये क्या है? रुको डायरी थी, रुको 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 गाइस, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके मैं इनविजिबल हो गया हूँ क्या? ओ यस ओके, तो मेरे को बस अपने हाथ पैर खाली रखने हैं थोड़ी देर के लिए, सही, बट मैं इनविजिबल हो रहा हूँ। चलो 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 भागो। गाइस यहाँ पे बहुत डेंजरस चीज है यार। गाइस इनविजिबल होने से ना तुम्हारा फूड बहुत जल्दी जा रहा है यार। ओके यहाँ से तो मैं आया था राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से जाना है, क्योंकि देखो ये ब्लड ट्रे। मर गए भाई भागो, मरना नहीं है आज, नहीं मरना है बस, बच गए ना यार। मुझे गाय भी होके जाना पड़ेगा, बट यार सीन वही है पता है, खाने की टेंशन है ब्रो। अबे यार मैं भी गधा हूं यार। यस एक और कन्वर्ट। ओ नो नो नो, उसने देख लिया मेरे को। ये क्या हुआ? एलिवेटर एक्टिवेटेड। ओ मैं खुद चले गया एलिवेटर में, नाइस है ब्रो। नहीं एक्चुअली कहीं और से एलिवेटर खुली है, ठीक है। गाइज हम लोगों को ना खाने पीने का और सामान अपने साथ रखना पड़ेगा। बस भागते रहो। अरे यार नहीं यार, ओ मेरे को एलिवेटर दिख गई। लीव मी अलोन प्लीज। भाई यार मेरे को एलिवेटर दिख गई है गाइज। ओ भाई ये क्या गंदा आदमी है ब्रो। गाइज मेरे को शायद से ऐसे ही करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एलिवेटर दिख गई है बट ये लोग जाने नहीं दे रहे। तो गाइस फाइनली वी आर इन एटिक, और अब वो पागल बंदा जो भी है उसका नाम, भाई वो यार फिर से ना आ जाए।
यही दिख रहा है मेरे को। ओ आई एम बेबाल, आई एम विक्टर। व्हाट है? आई एम बेबाल, आई एम विक्टर, आई एम विक्टर, आई एम बेबाल। तो गाइस इसका मतलब कि जिस बंदे ने हमें ये पूरा रास्ता बताया वो एक ही आदमी है, मतलब जो वो हमने पागल देखा था तलवार के साथ घूमता हुआ वो यही है। व्हाट? अ ग्रेट ट्रूथ दैट आई हैवंट बीन एबल टू टेल यू इज दैट वेयर एवर आई गो बेबाल विल ऑलवेज फॉलो मी, आई एम बेबाल बहमत। व्हाट? तो इसका मतलब जो ये विक्टर विक्टर है इसको कोई बीमारी है ब्रो, वही वही खुद वो भी है जो पागल जैसा बनता भागता इधर उधर। तो गाइस इसका मतलब जो विक्टर था उसको लाइक एक बीमारी हो गई थी जिसमें वो आधा विक्टर और आधा ये बहमत जो बंदा है बेबाल बहमत वो बन गया है। तो इसने अपने बचपन में बहुत गंदी गंदी चीज देखी जिसकी वजह से अभी ऐसा हो चुका है यार। ओ ये दरवाजा बंद था राइट? विक्टर? ओ ये तो बंदा है। आई नो, ओ ये डॉक्टर है। व्हाट? यू मस्ट स्टॉप हिम। व्हाट? अरे यही तो वो बंदा है जो मेरे पीछे भाग रहा तलवार लेके, बस इसका मुंह अजीब सा था। ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। विक्टर यू मस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुल बिफोर ही कम्स बैक। ओके ओ भाई यहाँ क्या हो रहा है गाइज? आई हैव सीक्रेटली मेड अ पॉइजन। ओके ठीक है, इसने जहर बना हुआ है। एंड इट्स इन द रूम टू माई राइट। ओके ठीक है, इस साइड पे। डिड यू सेट पॉइजन? इफ आई ड्रिंक इट आई विल टेक बेबाल अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओ भाई ये खुद को मार देगा, बस वो जो बेबाल है गंदा आदमी वो मरना चाहिए, अदरवाइज अ टेरेबल वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट। हरी अप, वी डोंट हैव टाइम। ओके भाई यार ये बहुत डेंजरस चीज है। What did you do to Victor? ओ भाई इसको देख रहे हो तुम लोग? Nothing but send him to sleep off. ओ भाई भाई को you are late. ओ भाई very soon I will command a great and terrible army of the power to rule them. गाइस जिसको पता नहीं है ये बंदा किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकता है, और इसने क्या किया है पता है? इसने अपने टीचर की आंखें निकलवा दी क्रोस को कंट्रोल करके, जिसने इसको एक बार पनिशमेंट दी थी। अबाउट दैट पॉइजन ब्रिंग इट टू मी। ओ इसको पता चल गया पॉइजन के बारे में। चला जा बेबाल गंदे। यू डोंट स्केयर मी भाई, बिल्कुल सही भाई, मैं नहीं डरता किसी से भी। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अरे यार तू चल तो यार, मेरे को पॉइजन निकालने दे, तेरे को बताता हूँ मैं आज, रुको जरा भाई। हेलो डिटेक्टिव अंशु से कोई नहीं पंगे लेता ठीक है ना, सो पैशनेट सो यंग, यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। क्या ढूंढ रहा है, क्या हो गया इसको? ओपन द चेस्ट, ठीक है पॉइजन मिल गया हम लोगों को। टेक द पॉइजन विद यू, भाई उसने लिख के भी दिया हुआ है। रुको इस पॉइजन को हम लोग एकदम हैंडी रखेंगे, एकदम हैंडी ठीक है। और स्केलेटन स्कल का क्या करना है मेरे को नहीं समझ पाया। ऑफ कोर्स यू वोंट, हाँ तो बिल्कुल सही नहीं दूंगा भाई। खोलो भाई रास्ता, दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग। अरे क्या हो गया इसको? ओ भाई तोड़ कर निकल, सुपर ह्यूमन है क्या? ओ ये टू चेंज द वर्ल्ड यू मस्ट बी विलिंग टू टेक ग्रेट सेक्रीफाइस। तो खुद को मारना भाई। ओ भाई गाइज ये सब कुछ तोड़ देना चाहता है रे। ओ लोडस्टोन कंपास डायरी
गैस चेंबर रूट, ओके ठीक है, चलो 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 चलो। ओ 2 मिनट है गाइस, अच्छा नहीं बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, रुको। हमें बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें ना अपने ऑफ हैंड में कुछ रखना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको जल्दी से देख पाए। यू आर हियर, यू आर नॉट हियर, वाह डोंट गो, अच्छा ठीक है ठीक है। किसी वो कर रहा है मैप मेड बाई बेबाल, हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ से आगे से जाएंगे। नथिंग हियर, ठीक है डोंट गो, चलो गाइस करते इसको। ओ नो गाइस टाइम शुरू हो चुका है, ओ भाई कोई तीर फेंक रहा पीछे से, मैं तो बस ब्लड को फॉलो कर रहा हूँ यार, मेरे को नहीं पता ये मैप मैंने कभी देखा भी नहीं है, मैं बस ब्लड को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि सीसी बात है कोई तो गया होगा राइट वहां से, तभी तो ब्लड है। यस पुट द पॉइजन इन द हॉपर, वो मर रहा है पर उसके आधी एचपी क्यों बची है, उसकी आधी एचपी तो बच गई ना, पर ये कौन है, अबे यार ये कोई ट्रैप था क्या ब्रो, व्हाट उसकी, देखो मैं बोल रहा था ना तुम लोगों से उसकी आधी एचपी भी बची हुई, वो कहां है, वो सारे मर गए और इसके हाथ कट गए ब्रो, अरे इसने मेरे को जाने क्यों दिया यार, ओ वो कुछ देख रहा है बच्चे का, गाइज हम लोग को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे को खुद नहीं पता, और मैं दौड़ भी नहीं सकता, सबसे खतरनाक बात अगर वो बंदा आ गया ना अभी लेके तलवार वलवार अपनी, ओ भाई फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से यार, चलो चलो, अबे एक और ट्रैप, कितने ट्रैप है यहाँ, डॉक्टर विक्टर, ओ ये विक्टर है, उसके हाथ कट गए बेचारे की सिबॉल है, ये क्या हुआ, नहीं यार नहीं यार नहीं यार, ये वो है यार, ये गंदा वाला है यार जो मार रहा है हमको, क्या कर रहा है, ओ चिची उसकी बेटी की आवाज आ गई इसको, ओ विक्टर वापस आ गया, ओ भाई उसकी बेटी की, इसका मतलब वो फोटो उसकी बेटी की थी डॉक्टर की, अरे भाई यार मुझे तो जाने दो यार यहां से, भाई मैं पागल हो जाऊंगा थोड़ी देर और रहा तो, खोल दो यार कोई, ओ गाइस भाई यार ये सबसे खतरनाक चीज थी जो हमने खेली थी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें लाइक ऐसे खतरनाक वाला जंप स्केयर ये सब चीज़ें नहीं थी, लाइक एकदम से झटके से डर लगने वाली चीज़ें नहीं थी,
बट भाई ये जो भी था ना भाई, पूरा एडवेंचर इतना ज़्यादा औसम था ना भाई, तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें ये मज़ा आया या नहीं आया भाई, क्योंकि मैं तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रेजी हो चुका हूँ भाई इसके बारे में सोच के ही। तो गाइज यार ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को मजा आया होगा। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माइनक्राफ्ट में लाइक हम लोग इतना अंदर तक जाके यार ये सब चीज़ें सॉल्व करना, और वो बंदा यार उसके पास दो पर्सनैलिटी, एक डॉक्टर विक्टर और एक वो बेबाल। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी तक का दिमाग में ऐसा चल रहा है ना ये क्या खेला मैंने अभी अभी। और बाकी यार अगर ऐसी तुम लोग और मैप्स देखने चाहते हो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 1.5 लाख लाइक का गोल लगा रहा तुम्हारा भाई। और जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल मीन अ लॉट मेरे दोस्तों। यार कर दो यार, अब तो प्यार से बोल रहे हैं तो कर दो ना यार, हल्का सा एक बटन दबा दो। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय।